हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम सोकर उठते हैं सुबह, जो भी पहला थॉट डोमिनेट करता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, वही फोकस बना रहता है दिन भर हमारे माइंड का, और हम उन्हीं चीज़ों को आकर्षित करते हैं इस यूनिवर्स में। फॉर एग्जांपल, अगर आप सुबह उठकर बहुत पॉजिटिव हैं तो आप पाएंगे कि आपकी लाइफ में उस दिन पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं। आप पॉजिटिव लोगों से मिलेंगे, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी, आप पॉजिटिव रिजल्ट पैदा करेंगे। और अगर अचानक सुबह उठते ही आपको कोई नेगेटिव थॉट आ जाए तो आप पाएंगे कि कई चीज़ें आपकी लाइफ में उसी दिन ख़राब होने लगती हैं। और कई बार आप सुबह ही सुबह कहते हैं, यार सुबह मैंने क्या सोचा था कि मेरी लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सुबह आप कौन सा थॉट रजिस्टर करें जैसे ही आप सुबह उठें। बहुत सारे इसमें टेक्निक हो सकती हैं, पर मैं एक टेक्निक बहुत सिंपल आपके साथ शेयर करूंगा जो एक विजुअलाइजेशन के रूप में होगी। जैसे ही आप सुबह उठें, आप उस टेक्निक को अपने ऊपर प्रैक्टिस करना शुरू करें और आप पाएंगे कि आपका माइंड पूरी तरह से पॉजिटिव है दिन भर की चीज़ों के लिए, और आप अच्छे रिजल्ट पैदा करेंगे, आपकी सेहत बेहतर होगी, आप बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ के साथ जुड़ेंगे। यही खास बात होगी इस विजुअलाइजेशन की। शुरू करने से पहले मैं आपके साथ दो बातें शेयर करूंगा। नंबर एक, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आप रेलेवेंट वीडियोस को समय से पा सकें, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और दूसरा ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स को सीखें, जो टेक्निक आपके पैसे को बढ़ा सकती है, आपके करियर को बेहतर कर सकती है, आपके रिश्तों को बेहतर कर सकती है, आपकी सेहत को बेहतर कर सकती है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरी वेबसाइट को विजिट करें, जिसका नाम है www.ramvarma.com, जिसकी डिटेल आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज, ऑडियोज एंड वीडियोज, जो आप अपने लिए प्रयोग कर सकते हैं लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं उस विजुअलाइजेशन को, कि कैसे सुबह जब आप उठें किस तरह से आप अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिवली ट्रेंड करें। लेटे रहे या आराम से बैठ जाएं, आंखों को बंद कर लें, सांसों को नॉर्मल रखें। अगर आप बैठे हैं तो फिर कंधे सीधे रखें और आंखों को बंद करके इन क्वेश्चंस के साथ जुड़ें और इनका आंसर अपने सबकॉन्शियस को ढूंढने दें। क्वेश्चन नंबर वन, टुडे व्हाई एम आई थैंकफुल और ग्रेटफुल ऑफ दिस यूनिवर्स। मैं आज मेरे यूनिवर्स का किस प्रकार से आभारी हूं या धन्यवाद देता हूं। फिर इस सवाल को सुने, टुडे व्हाई एम आई थैंकफुल और ग्रेटफुल ऑफ दिस यूनिवर्स। मैं आज इस यूनिवर्स का किस प्रकार से आभारी हूं या धन्यवाद देता हूं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके अंदर ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स को पैदा करना शुरू करेगा। इसका आंसर अपने सबकॉन्शियस को ढूंढने दें। टुडे व्हाई एम आई ग्रेटफुल और थैंकफुल टू दिस यूनिवर्स, और आपके आंसर आने शुरू हो जाएंगे। आई एम थैंकफुल बिकॉज I am alive today. I am thankful because my universe is giving me sunlight and air unconditionally. I am thankful because my family is okay and healthy. I am thankful because I am getting equal opportunities as others are getting. मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मैं जिंदा हूं। मेरा यूनिवर्स मुझे आज भी रोशनी और हवा बगैर किसी शर्त के दे रहा है। मेरा परिवार हेल्दी है, ठीक प्रकार से है, और मेरे पास भी जीवन में आगे बढ़ने के वो सभी अवसर हैं जो दूसरों के पास हैं। शांत लेटकर आप और गहराई के साथ अपने आंसर्स को अपने सबकॉन्शियस से आने दें। लगातार पूछते रहें,
Why am I grateful or thankful to this universe today? मैं आज मेरे यूनिवर्स का किस प्रकार से आभारी हूँ या धन्यवाद देता हूँ। अब आप दूसरे क्वेश्चन से जुड़िए। दूसरा क्वेश्चन है, What five things are there that make me feel lucky today? ऐसी कौन सी पांच चीजें हैं जो मुझे एहसास कराती हैं कि मैं भाग्यशाली हूँ? What five things are there that make me feel lucky today? ऐसी कौन सी पांच चीजें हैं जो मुझे एहसास कराती हैं कि मैं भाग्यशाली हूँ? इस क्वेश्चन को सबकॉन्शियस को ढूंढने दें और शांत रहकर खोजना शुरू करें उन कम से कम पांच चीजों को जो आपको आज एहसास कराएं कि आप सचमुच में भाग्यशाली यानी के लक्की इंसान हैं। आप लक्की हैं कि आपके पास अभी भी बहुत ऐसे रिसोर्सेज हैं जो बहुत लोगों के पास नहीं है। ढूंढे उन पांच चीजों को जो आपको फील कराती हैं कि आप बाकी लोगों से लकी हैं। कीप एक्सप्लोरिंग, खोजते रहें। और अब आप लंबा सांस लेते हुए तीसरे व फाइनल क्वेश्चन के साथ जुड़े। तीसरा क्वेश्चन है, मैं आज ऐसा क्या करूंगा या करूंगी कि मैं यूनिवर्स के लिए आभारी हूं और कल मैं अपने आप को लक्की भी फील करूं? जी हां, मैं आज ऐसा क्या करूंगा या ऐसा क्या करूंगी कि जिसके कारण कल सुबह मैं ये महसूस करूं कि मैं यूनिवर्स के लिए आभारी हूं और कल मैं अपने आप को लक्की भी फील करूं? आज के दिन के लिए अपने किसी ऐसे लक्ष्य को ढूंढना शुरू करें जो कल सुबह आपको ये महसूस कराए कि आप इस यूनिवर्स के आभारी भी हैं और आप इस पृथ्वी पर सौभाग्यशाली इंसान भी हैं। ढूंढिए उस लक्ष्य को, उस कार्य को जिसे आज आपको करना है। शांत बैठकर इन तीनों प्रश्नों का कुछ देर तक जवाब ढूंढने की कोशिश करें। अपने अंतर्मन में जाएं और देखें कि किस प्रकार से ये तीनों सवाल आपके सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं। फ्रेंड्स, इन तीनों प्रश्नों के साथ आप हर रोज जुड़ें। एक से दो वीक के बाद आप पाएंगे कि आपका सबकॉन्शियस इग्नाइट हो रहा है, आपके जीवन में नई एनर्जी आ रही है, आप उन लोगों से मिल रहे हैं जो आपके बेहतर जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, आपके जीवन में नए अवसर भी आ रहे हैं। यही है आकर्षण का नियम भी। इन मोमेंट्स को एंजॉय करते हुए अब आप धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं, अपनी हथेलियों को नजदीक लाएं, उन्हें रगड़ें, उनमें ऊर्जा पैदा करें, फिर अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखकर धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलना शुरू कर दें। धन्यवाद।